यूपी बुलेटिन लाइव से सहारनपुर प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहारनपुर माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में रखा गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु आज सिविल कोर्ट परिसर से माननीय जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संजय कुमार ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के हर घर तिरंगा के प्रचार प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक माननीय जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में झंडा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त पीएलवी एवं सिविल कोर्ट न्यायालय में परिसर में कार्यरत पुलिस एवं स्टाफ ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से जनपद के हर घर में तिरंगा झंडा लगाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रचार वैन पूर्ण जनपद में 10 व 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेगी और जनपद के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करेगी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर, सचिव नितिन शर्मा सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें माननीय जिला जज महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद तलाक के प्रकरण को छोड़कर लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद NI एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद MV एक्ट, वही चलान के वाद, भू राजस्व के वाद केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उक्त वादों से संबंधित वार्डकारी संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपसी समझौते से वादों के निस्तारण से सामाजिक सौहार्द कायम रहता है। जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते हैं उसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती तथा अदा की गई कोर्ट फीस वापस हो जाती है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि सभी विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण एवं समस्त हितधारकों से मेरी अपील है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बने और अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएं, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं संजय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर ने भी अपने विचार रखे। राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक जजशिप के विभिन्न न्यायालयों में 18,700 से अधिक वाद तथा कुल 212 वैवाहिक वाद व 40 मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिनियम वाद नियत किए जा चुके हैं तथा बैकलॉग संबंधी प्रिलिटिगेशन वाद एवं अन्य राजस्व न्यायालयों में कुल 50,000 से अधिक वाद भी नियत किए जा चुके हैं। 14 मई 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद में कुल 86,700 वादों का निस्तारण किया गया है। प्रभारी विक्रम वर्मा। तिरंगे झंडे की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा झंडा कि 75वां अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उससे पहले हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा परिवार है वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है समाज को बनाने में, राष्ट्र के निर्माण में। उस परिवार को हम कैसे संगठित रखें, सबसे ज़्यादा प्रथम प्राथमिकता इस तथ्य को दी जाती है कि पति पत्नी एक ही छत के नीचे प्रेम पूर्वक रहें, जो कि विवाह का उद्देश्य होता है। और इस लोक अदालत में हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करें और ज़्यादातर पति पत्नियों को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर भेजें, ताकि समाज में संगठन हो, समरसता हो और दोनों पक्ष सम्मानपूर्वक अपने परिवार में रह सकें, ताकि उनके बच्चों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।